देवरिया जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय पद्धति इंटर कॉलेज में हरोना में फूड पॉइजनिंग में बीमार एक छात्र शिवम कुमार की इलाज के दौरान आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग में करीब 80 बच्चे बासी खाना खाने से बीमार हुए थे, जिनमें अभी भी 60 बच्चों का इलाज देवरहवा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ की गुंडागर्दी सामने आई है। बता दें, बीपी चेक कराने आए मरीज और तीमारदार से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद के थाना कोतवाली पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक पुरुष अभियुक्त और चार महिलाओं को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया गैंग ऑन डिमांड बच्चा चोरी कर 3,50,000 रुपए में बेचा करता था। पुलिस ने गैंग के चुंगल से 5 अगस्त को चोरी हुए बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। गैंग के दो सदस्य अभी फरार हैं, जिनको गिरफ्तार करने में पुलिस टीम जुटी हुई है। यूपी के संभल जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक शख्स पत्नी की प्रताड़ना से इतना तंग आ गया कि उसने अपनी जान दे दी। सुसाइड से पहले शख्स ने हाथ की हथेली पर सुसाइड नोट भी लिखा कि 2 दिन से पत्नी ने रोटी नहीं दी थी, वो उसे मारना चाहती थी। सुसाइड की घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मुकदमे के आधार पर जाँच पड़ताल में जुटी है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के प्रताप बिहार चौकी क्षेत्र में दुकानदार की मौजूदगी में नए टायर को चुराते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि अब सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के उर्सला अस्पताल में मरीज की छुट्टी को लेकर तीमारदारों ने डॉक्टरों के साथ बुरी तरह से मारपीट की। मोहम्मद कमल नामक मरीज की छुट्टी न करने पर उसके बेटे और सहयोगियों ने डॉक्टर गौतम जैन और डॉक्टर राहुल गायकवाड़ की पिटाई की। आरोपी डॉक्टरों को हॉस्टल और ब्लड बैंक तक खींचकर ले गए और वहां भी जमकर मारपीट की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हरदोई में 1200 रुपए की साइकिल के लिए एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में जान लेने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस ने आरोपी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया है। कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच के लिए नमूने लिए और मामले की जांच पड़ताल की। ललितपुर गोविंद सागर बांध में मछली पकड़ने गए सुशील कुशवाहा डैम में डूब गया, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को ढूंढ निकाला। पुलिस ने शव को बाहर निकालने के बाद मोमार्ची के लिए वैधानिक कार्रवाई करते हुए शुरू कर दी। महुआ के चित्रकूट धाम मंडल बांदा के पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण कर जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यही नहीं, शासन के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त कार्य करने के सभी को निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करते हुए पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।